लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वीरेंद्र मेहता का नाम इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि इन्होंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के 80,000 शब्दों को पेज वाइज कंठस्थ कर लिया। I have learned this word from the page number 881. Absolutely right again. मैं वीरेंद्र मेहता आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में जिसका टाइटल है बेचैन मन को कैसे शांत करें, यानी हाउ टू काम योर रेस्टलेस माइंड। ओके, तो आप बहुत ध्यान से सुनेंगे आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्टलेस माइंड यानी अशांत मन। देखिए, ये रूट कॉज है सभी बीमारियों का, सभी डिजीजेस का, क्योंकि अशांति से ही जितने नेगेटिव साइकिक इम्प्रेशंस हैं वो हमारे अवचेतन मन में चले जाते हैं, जो सभी फेलियर्स का कारण है, सभी मुसीबतों का कारण है। तो इसलिए जो अशांत मन है उसको शांत करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। तो अब सवाल ये है कि इस अशांति को कैसे मिटाया जाए, कैसे हम अपना मस्तिष्क और अपना जो मन है, अपना जो माइंड है, वो हम शांत रखें। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, माइंड एंड ब्रेथ। देखिए, हमें और इस यूनिवर्स को अगर कोई कनेक्ट करने वाली चीज़ है तो वो है श्वास, यानी हमारा ब्रेथ। ओके, तो ये थ्रेड है, एक बहुत बड़ी पावर है जो हमें और कॉस्मिक इंटेलिजेंस को एक दूसरे से जोड़े हुए है, राइट। तो अगर आप अपनी श्वास को कंट्रोल करने में सफल हो जाते हैं तो आप अपने मन को भी शांत इजिली रख पाएंगे, इजिली रख सकते हैं। इसलिए दो चीज़ें यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक एक्सहेल और दूसरा इनहेल, राइट। तो जब भी आप एक्सहेल करें तो उस समय फील करना है लेट गो। जितनी भी नकारात्मक फीलिंग्स हैं या नेगेटिव साइकिक इंप्रेशंस हैं, जब श्वास आपका जा रहा है, यू नो एक्सहेल हो रहा है, तो उस समय फील करना है कि वो सारी बीमारियां आपके अवचेतन मन से बाहर जा रही हैं। और जो दूसरा स्टेप है वो है इनहेल। ओके, इसमें जितनी भी आप जो यू नो ऊर्जा बाहर, जो प्राणिक एनर्जी है वो आप यूनिवर्स से ले रहे हैं, उस समय आपको फील करना है कि ब्रह्मांड की जितनी शक्तियां हैं, जितनी सकारात्मक यू नो चीज़ें हैं या सकारात्मक भाव हैं, वो आपके अवचेतन मन में जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है जिससे आप अपने मन को शांत रख सकते हैं। तो ये है वो डायग्राम जो कि ब्यूटिफुली यू नो रिप्रेजेंट कर रहा है कि माइंड एंड बॉडी। देखिए, बॉडी को कंट्रोल हम माइंड से कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, उनके बीच का जो माध्यम है, उनके बीच का जो मीडियम है, दैट इज कॉल्ड ब्रेथ, यानी श्वास। ओके, सो अगली बात जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे मन की शांति के लिए, वो है अन्न। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो आप मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप प्लीज़ वैदिक फूड लें, ओके, वेजिटेरियन फूड लें, क्योंकि देखिए ये भोजन नहीं है, ये एनर्जी है जो हम लेते हैं। ओके, ये वो प्राणिक एनर्जी है जो हमारी एक एक सेल, एक एक रोम को गवर्न करता है। तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम अन्न की क्या क्वालिटी अपने आप को फीड कर रहे हैं। तो अगर आप वैदिक फूड के लिए जाएंगे तो मन की जो शांति है वो आप मेंटेन रख पाएंगे। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भागवत गीता में बोला है कि अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे सन ऑफ कुंती, द माइंड इज ब्रॉट अंडर कंट्रोल थ्रू प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। देखिए, अभ्यास और वैराग्य से ही इस मन को वश में किया जा सकता है, क्योंकि मन ही है जो हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। आफ्टर देन आप प्लीज अपनी जो दिनचर्या है वो पावरफुल बनाएं। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ पावरफुल दिनचर्या पे, जिससे आसन और प्राणायाम नियमित रूप से अगर आप करेंगे तो आपका जो मन है वो शांति को प्राप्त होगा।
और उसके बाद ये जो कुछ ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस हैं, श्वास करने की जो प्रक्रिया है, इसमें आप देखिए पद्मासन में बैठें, सुखासन में बैठें या फिर चेयर पे भी बैठेंगे तो चलेगा, इसमें आपको इनहेल करना है डीप ब्रेथ, उसके बाद उसको होल्ड रखना है यानी जिसे कुंभक कहते हैं, और फिर एक्सहेल करना है। यू नो ये इतनी पावरफुल एक्सरसाइज है कि आप सोच ही नहीं सकते, राइट। तो श्वास को आता हुआ और जाता हुआ ये देखना है, उसको विजुलाइज करना है, और अपने आप को स्वर्णम प्रकाश यानी गोल्डन लाइट में फील करना है, जिससे आपकी बॉडी माइंड एंड सोल तीनों की हीलिंग भी यू नो स्वतः ही हो जाएगी। ओके, सो आफ्टर देन त्राटक ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इट्स ए वेरी वेरी पावरफुल एक्सरसाइज जो आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर का जो न्यूरल कम्युनिकेशन है उसको बढ़ा सकती है, और गजब का जो कंसंट्रेशन पावर है ये आप में बढ़ सकता है। तो ये पोस्टर मेरा वेबसाइट vedicmemory.com पे है, आप इसे ले सकते हैं। और आफ्टर देन नियम, देखिए विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति कैसे बनेगी, जब आप नियम को बनाएंगे। अगर आज आप नियम को बनाएंगे तो कल नियम जो है वो आपको बनाएगा। तो फिर से मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए अर्ली इन द मॉर्निंग, जो भी वॉक करना है या दौड़ना है, एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वो नियम अगर आप पालेंगे तो आपकी जो मन की शक्तियाँ हैं उनमें यू नो विकास होगा, राइट। और आफ्टर देन स्वाध्याय, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप चाहते हैं कि मन को शांत रखना तो परमात्मा, कोई भी धर्म से आप क्यों नहीं बिलोंग करते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं या फिर ईसाई हैं, तो देखिए भगवान नाम जप यू नो वो आपको इतनी शक्तियां दे सकता है जिसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते, और यही वो साधना है जिससे आप नकारात्मक साइकिक इंप्रेशंस जो आपके अवचेतन मन में हैं वो आपके व्यक्तित्व से दूर हो सकते हैं। तो आप जरूर स्वधाई कीजिए, साधना कीजिए, जो भी गुरु मंत्र या जो भी आपका इष्ट मंत्र है उसका जप कीजिए, क्योंकि उसी से ही बहुत जो बीमारियां हैं वो रिलीज होंगी। एंड आफ्टर देन हैप्पीनेस, देखिए हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट डिवोशन टू गॉड, सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। यू नो खुश रहने से ही मन को असीम शांति यू नो मिलती है। तो ये आज कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, मुझे पूरा विश्वास है आप जरूर इसका पालन करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और जरूर ये वीडियो आप शेयर करेंगे हर एक उस इंसान के साथ यू नो जो ये कहता है कि जो मन है वो बेचैन है या अशांत रहता है, तो श्योर ये हेल्प करेगा। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, भारत माता की जय।